हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं 11 एजी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। इसके पहले का हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है, आज क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। ग्राफ पेपर पर आलेखन खींचकर समीकरणों को हल कीजिए, जैसे पिछले हम लोग क्वेश्चन को किए हैं ना, उसी तरह से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और 3x-2y बराबर 7, तो हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों का हल का मतलब क्या हो गया, इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि इनका कटान बिंदु, और इनका कटान बिंदु क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा, है ना। तो हमने देखिए यहाँ पर एक हल कर दिया है, तो इससे x बराबर 5 और y बराबर 4 आया है। इसका मतलब कि जब हम ये टेबल बनाएंगे ना, तो इसमें हमको टेबल में ऐसा एक बिंदु ज़रूर लेना है जिसमें x बराबर 5 और y बराबर 4 हो। तो यहाँ देखिए हमने y बराबर 4 लिया है, तो जब यहाँ y बराबर 4 रखेंगे तो 4 उधर जाएगा, 9 में से 4 घटेगा 5, यानी कि y का x का मान 5, 5। जब x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान 9, या ऐसा करें x का मान अगर कहीं हम 4 रखते हैं, x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो y का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब x का मान 1 रखेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, घटेगा 7 में से 3 तो 4, और 2 का भाग दे देंगे तो y का मान -2। जब y का मान 4 रखेंगे तो ये 4 × 8, है ना, 4 × 8, देखिए ये चीज़ आना चाहिए, ये 4 हो गया, तो ये 4 × 8 -8, उधर जा करके +8 हो जाएगा, तो 8 × 7 = 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, यानी कि ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे ज़रूरत की है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ के लिए हमने ये बना दिया है। इसमें जब x बराबर 5 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 5 तो y बराबर 4, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, निर्देशांक हो जाएगा 5 और 4। और जब x बराबर 4 है तो y बराबर 5 है, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 5 है, ये पॉइंट, ये हो जाएगा 5 और 4, इसको मिलाना है, मिला दीजिए। और समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, है ना, ये समीकरण है ना, x प्लस वाई बराबर 9। चलिए अब इसको ड्रा करते हैं, ये यहाँ पे -1 और ये -2, यानी कि ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 5 4 5 4, तो ये 5 4 ये वाला है ना, x का मान 5, अरे ये 5 4 है, ये 4 5 है, 4 5 है, तो इसको इसको मिलाना है, ये हो गया, और ये उभयनिष्ठ पॉइंट हो गया, ये ना उभयनिष्ठ पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x बराबर 5 y बराबर 4, यही दोनों समीकरण का, ए रुद्र क्वेश्चन नंबर 23, ग्राफी विधि से निम्न समीकरणों को हल करो। तो इसमें भी देखिए हमने यहाँ पर इसको हल किया, तो x का मान -4 y का मान -2, यानी x का मान -4 रखेंगे तो यहाँ पर -2 आना चाहिए, यहाँ पर y का मान -2 तो यहाँ पर -4 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, y का मान 0 तो x का मान भी 0, जब x का मान -4 उधर जाएगा तो +4, -2 का भाग देंगे तो -2, देखिए ये पॉइंट आ गया, वाई का मान -2 और एक्स का मान -4। यहाँ पर जब एक्स का मान 0, जब एक्स का मान 0 तो ये 0 हो गया, तो वाई का मान 6, और वाई का मान -2 तो ये -2 2 -4, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, सॉरी देखिए y का मान -2, जब -2 यहाँ रखेंगे तो -2 और ये 6 आएगा तो -8 हो गया, 2 का भाग देंगे तो -4, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कर देना, तो पहला पॉइंट 0 0 है, तो ये तो यही पे हो गया, मूल बिंदु हो गया, और जब x का मान -4 तो y का मान -2, ये -4 तो ये -2 है,
ये पॉइंट, बस इसको मिला देना है। 21 का है, x माइनस टू वाई इक्वल्स जीरो का है। सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा दें। सेकेंड है x का मान जीरो तो y का मान प्लस छः, x का मान जीरो तो y का मान प्लस छः। ये देखिए प्लस छः यहाँ पे आएगा, ध्यान नहीं दिया। तो x का मान जीरो तो y का मान प्लस छः, यानी कि इसी पर यहाँ पर प्लस छः, ये पॉइंट यहीं पे हो गया। और जब x का मान माइनस चार तो y का मान माइनस टू, ये तो उभयनिष्ठ होगा, इसको मिलाना है। और समीकरण कौन सा होगा? समीकरण है y इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स। कौन सा है ये? y बराबर टू एक्स प्लस सिक्स। और ये जो उभयनिष्ठ पॉइंट है जिसका निर्देशांक है माइनस चार माइनस दो, यही समीकरण का हल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस चार, y बराबर माइनस दो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, समीकरण 3x माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल जीरो का आलेख करो और आलेख से x बराबर टू पर y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल जीरो, 3x माइनस टू वाई बराबर माइनस टेन, और इसका आलेखन करना है। तो जब x का मान जीरो होगा, ये जीरो हो गया, तो y का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो y का मान आ गया पाँच। जब एक y का मान माइनस वन है, ये माइनस वन ले लेंगे तो ये प्लस टू, उधर जाके माइनस टू, तो माइनस बारह, और चार तीन का भाग दे देंगे तो माइनस चार। इसी का प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं x बराबर दो पर y का मान क्या आता है। तो जब x का मान जीरो, जब x का मान जीरो तो y का मान पाँच, और जब x का मान माइनस चार तो y का मान माइनस वन। ठीक है, समीकरण चूंकि एक ही है तो 3x माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल्स जीरो। अब x बराबर दो पर y का मान ज्ञात करना, तो x बराबर दो ये है, x बराबर दो पर इसको खींचना है। देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो भी नहीं कटा, तो इसका मतलब कि ये तो देखिए ये छः है, यहाँ पर आठ, और ये जो आगे कट करेगा वो दस पर होगा, है ना, ये कट करेगा जो वो दस पर होगा, यानी कि x बराबर दो पर y बराबर दस, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सीधी रेखा 2x प्लस थ्री वाई, कौन कौन है? 2x प्लस थ्री वाई बराबर बारह का आलेखन कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांकित कीजिए जहाँ यह रेखा अक्षों को काटती है। सीधी रेखा 2x प्लस थ्री वाई बराबर बारह का आलेखन कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ यह रेखा अक्षों को काटती है। इन बिंदुओं तथा मूल बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस थ्री वाई बराबर बारह, तो कुछ नहीं करना है। जब x का मान जीरो होगा तो ये पद जीरो हो गया, 3y बराबर बारह यानी कि y का मान चार। जब y का मान जीरो हो गया तो ये पद जीरो, 2x बराबर बारह तो x बराबर सिक्स। बस ये दो बिंदु खींचने के लिए काफ़ी है। तो पहला है 04, x का मान जीरो तो y का मान चार, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। जब x का मान छः तो y का मान जीरो, ये यहीं पर हो जाएगा। इन्हीं दोनों को
बस एक एक आंसर तो देखिए यहीं पे ये भी मिल गया, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा अक्षों को काटती, अक्षों को काटती है, यानी कि 60 और यहां पर 04, ये हो गया। अब इसका अगर हम नाम दे देते हैं ए ओ, इसका नाम देते हैं बी, तो यहाँ पर देखिए ओ बी बराबर 6, ओ ए बराबर 4। चूँकि ये अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ओ ए बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ओ ए गुणे ओ बी, 1/2 4/6, यानी कि हो गया 12 वर्ग इकाई। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि अक्षों को काटने वाले बिंदुओं के यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज़ और है ना, अक्षों को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बराबर 60 और 04, एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लेखा चित्री विधि से सिद्ध करो कि निम्न समीकरण से प्रदर्शित सीधी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, यानी कि ये तीनों रेखाएं एक बिंदुगामी हैं, जब इनका हम आलेखन करेंगे, इनको ड्रा करेंगे तो देखेंगे, आगे जब खींचते जाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं, उनके प्रच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से होकर के ये तीनों रेखाएं जा रही हैं उस बिंदु का क्या निर्देशांक है वो बताना है। तो ड्रा करने के लिए टेबल बनाएं, जब एक्स का मान 10 तो उधर गया तो वाई का मान 12, जब वाई का मान 10 उधर जाएगा तो एक्स का मान 12, ये हो गया। इसमें एक्स का मान जब 0 रखेंगे तो वाई का मान भी 0 हो जाएगा, जब वाई का मान 5 रखेंगे तो 5 6 30, इधर आगे 30, 5 का भाग दे देंगे तो 6, यानी x का मान 6 हो जाएगा। जब x का मान 5, 5 दुना के 10 उधर भेज दिए तो 14 में से 10 घट गया 4, माइनस 4, तो ये हो गया -4। और जब x का मान 5 गुना के 10 14 में से 10 घटा तो 4 -4, और जब x का मान 12 12 गुना 24 घटा देंगे तो -10, ये माइनस कट जाएगा तो +10। चलिए इसको ड्रा करते हैं। ड्रा के लिए सबसे पहले 10 12, जब x का मान 10 तो y का मान 12, ये फर्स्ट पॉइंट, और जब x का मान 12 है तो y का मान 10, ये 12 है तो यहाँ पर ये 10, ये इसको मिला दें, बड़ा एकदम कॉर्नर पे चला गया है, ये हो गया। और किसका है ये, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 22 का है। चलिए एक हो गया। सेकेंड है, जब x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कि मूल बिंदु, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, जब x का मान 6 तो y का मान 5, x का मान 6 तो y का मान 5, ये यहाँ पे हो गया 6 5, इसको मिला दें, ये तो इससे होकर जा रहा है। चलिए अच्छा, ये किसका है समीकरण, किस रेखा का है, 5x-6y = 0, ये है 5x-6y = 0 का है। चलिए, और थर्ड के लिए x का मान 7 तो y का मान 0, यानी x अक्ष पे हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर, और सेकेंड पॉइंट यहाँ है, तो बस मिला देना है। और ये किसका है, 2x-y = 14, ये है 2x-y = 14। ये देखिए तीनों जो है ना इसी बिंदु से होकर के जा रहे हैं जिसका निर्देशांक 12, 10 है ना। ये पहली बात तो ये कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक जो है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बराबर, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है, 12 और 10 है ना, 12 और 10 है, क्या हो जाएगा 12, 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 27। समीकरण 2x+y = 5, x-y = 4 और x+2y = 7, इनको खींचना है, और खींच करके क्या बताना है, लेखाचित्र के, और इससे जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के शीर्षों के, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसको खींचेंगे तो त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता करना है। तो पहले टेबल बनाना है, पहले टेबल में क्या करेंगे, जब y का मान 1, एक उधर जाएगा तो 5 में से 4, और x 2 का भाग दे देंगे तो 2, जब x का मान 0 कर देंगे तो y का मान 5, यहाँ पर जब x का मान -4 तो -+ x का मान 0, ठीक है। जब x का मान 4 रखेंगे तो 4 ये हो जाएगा 0, ये +4 उधर जाकर -4, 4 में से 4 घट गया 0, तो y का मान भी 0। यहाँ पर जब y का मान 3 है तो 3 × 6, 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 हो गया। जब x का मान 3 है तो 7 में से 3 घट गया 4, 2 का भाग दे देंगे तो 2, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, ड्रा करना है। ड्रा में क्या करना है, पहले जब x का मान 2 तो y का मान 1, तो 2 जब x का मान है तो y का मान 1, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, निर्देशांक हो जाएगा 2, 1, ये काम। जब x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0 तो y का मान 5, ये निर्देशांक हो जाएगा 0, 5, इसको खींच दें। और ये किसका है, 2x+y = 5 है ना, ये 2x+y = 5 का है। इसका खींचते हैं x-y = 4 का, तो x का मान 0 तो y का मान -4, जब x का मान 0 तो y का मान -4, तो 0-4 ये हो गया। जब x का मान 4 तो y का मान 0 यानी x अक्ष, ये हो गया 4, 0, इसको खींच दें। ये किसका है, x-y = 4, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, तीसरा है, जब x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 1 तो y का मान 3, इसी पर देखिए मिल रहा है 1 और 3, और जब x का मान 3 है तो y का मान 2 है, जब x का मान 3 तो y का मान 2, 3 और 2, इसको मिला दें। और ये समीकरण किसका है,
एक्स प्लस टू आई बराबर सात, एक्स प्लस टू आई बराबर सेवन इसका है। तो जो त्रिभुज बना, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज बना, ठीक है, ये त्रिभुज बना। इसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक तो शीर्ष 1, 3 हो गया, यहाँ पर देखिए ये 5 है और ये 1 है, तो ये हो गया 5 और 1, ये 3 है नीचे आए हैं तो -1, तो ये हो गया 3 -1, 1, 3, 5, 1, 3, -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अतः शीर्षों के निर्देशांक बराबर वन थ्री फाइव वन और 3 -1, ये आंसर हो जाएगा, है ना।